हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसको हम बता देती हूँ पहले मैं आपको, कि हमें रिक्वायर्ड है चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले, ये आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मसाले हैं, एंड टमाटर, एंड दही, एंड हरी मिर्चे, एंड कसूरी मेथी। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें रिक्वायर्ड है ऑयल। हम इसमें डालेंगे 1 to 4 ऑयल। तो वैसे बेसिकली अगर जितना भी कम किया यूज किया जाए हेल्थ के लिए वो उतना ही अच्छा होता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है। अच्छा, मेरा जो स्टोव है वो प्री हीटेड था, मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था। मेरा जो ये पैन है ये प्री हीटेड हो चुका है और इसमें मैंने 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपनी चिकन, जो कि मेरी वॉश है चिकन और मेरी जो है ड्राई हुई भी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये मेरी 2 पाउंड के आसपास है चिकन, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। चूल्हा जो है वो हाई फ्लेम पर है और इसको हम अच्छी तरीके से पहले से चिकन का जितना पानी है, चिकन को बेसिकली अच्छी तरीके से फ्राई करना चाहिए, क्योंकि मीट का कोई भी आइटम हो, स्पेशली चिकन, क्योंकि उसमें थोड़े से जम ज्यादा होते हैं, तो उसको प्रॉपरली फ्राई करना जो है वो मस्त होता है, मस्त करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। ये हम देखें चिकन को अच्छी तरीके से ड्राई कर रहे फ्राई कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, इसका डांसिंग शो भी खत्म हो चुका है। तो अब हम अदरक लहसुन हर मतलब स्पेशली चिकन के जो हो या मीट के जो भी आइटम हो, बेसिकली उसमें अदरक लहसुन जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अदरक लहसुन के नहीं ऐड करने से उसके अंदर स्मेल रह जाती है, और अदरक लहसुन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अदरक लहसुन जो है वो उसमें पहले ही ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए। तो अब मैं आज हूँ इसमें, क्योंकि चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का, मेरे पास फुल भर के 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन है जो कि मैं इसमें डाल दूंगी। ये हमने फुल 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, कढ़ाई में जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, पानी ऐड नहीं होता, चिकन कढ़ाई अपने ही दही में और टमाटर के पानी में जो है वो ये रेडी होती है। फ्लेम जो है हम फुल हाई रखेंगे, मेरा फ्लेम फुल हाई है, तो आप लोग भी फ्लेम हाई रखिएगा, क्योंकि अच्छी तरीके से अदरक लहसुन, क्योंकि मेरा फ्रेश का था ठंडा, तो जिस वजह से ये टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो अभी ये ऑन हो जाएगा, वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। और हम अदरक लहसुन जैसे ही इसका थोड़ा सा वो होता है, हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट, 1 एंड 2, और हम योगर्ट दही को यानी कि 2 टेबल स्पून हमने दही ऐड करा, और दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दही में।
ये दही में और अदरक लहसुन में थोड़ी सी कुक्ड होगी। जब तक ये दही और अदरक लहसुन में हो रही है तो मेरे पास तो टमाटर मेरे रेडी कटे हुए हैं। मैंने टमाटरों को जो है वो कट कर इसके जो छिलके हैं वो उतार लिए थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग छिलके उतारें। आप लोग जो है वो ऐसे भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम टमाटर के छिलके उतारें, लेकिन मैंने क्योंकि उतारे ये मैंने चार टमाटर लिए थे, चार टमाटर को मैंने ऐसे क्यूब की फॉर्म में काट लिया है। तो अब जैसे ही ये दही का पानी ये और अदरक लहसुन थोड़ा सा ये इनके साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अच्छा, ये जो मेरा चिकन का दही का और गर्म अदरक लहसुन का पानी है ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। देखिए अब मेरा स्टोव हाई फ्लेम पर ही है। अब मैं इसमें जो ये चार टमाटर मैंने कट करे थे मैं वो डालूंगी और इसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अच्छा, इसमें मेरे पास ये योगर्ट था जो मैंने जो 2 स्पून पहले डाले थे, अब मैं इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये मैंने 5 चम्मच दही इसमें डाल दिया है। अब ये जो चिकन जो पकेगी वो बेसिकली पूरे दही और टमाटर में ही, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं और दही भी, तो ये इसी में पकेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग सिर्फ दही और टमाटर में चिकन को गलाते थे और मसाले बाद में ऐड करते हैं, तो मेरी रिकमेंड ये है, मैं आपको करती हूँ कि पहले आप मसाले इसके साथ ही डाल दें क्योंकि मसालों को भी कुक होना जरूरी है। तो मैं इसमें जो मसाले ऐड कर रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पास ये भुना कुटा जीरा है, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्चे, ये कश्मीरी लाल मिर्चे हैं 1/2 टीस्पून। अच्छा, जीरा भी मेरा 1/2 टीस्पून है और ब्लैक पेपर फुल टीस्पून है, और रेड मिर्चे जो है कश्मीरी लाल मिर्चे ये मेरे पास हैं 1/2 टीस्पून। रोस्टेड जो है ये मेरे पास भुना कुटा धनिया है, ये भी मेरे पास 1/2 टीस्पून है। चाट मसाला 1 टीस्पून है। हल्दी है मेरे पास 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टीस्पून। पिसावा धनिया है 1/2 टीस्पून। ये कुटी हुई मिर्चे हैं 1/2 टीस्पून। और सॉल्ट है, सॉल्ट आप लोग अपने जो भी आप लोग लेते हैं उससे उसके हिसाब से ही डालिएगा, हसबे जायका। मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो अब हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसके बाद हम इसको सारे मसालों को भून कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना भी नहीं चलाएंगे कि चिकन जो है वो हमारी वो होने लगे, लेकिन मसालों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे ताकि मसाले चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और इनमें मिक्स होकर इनका जो टेस्ट है वो जबरदस्त आ जाए। ये हमारे चिकन और मसाले और सब दही को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं लिड लगा के, और मिलते हैं आपसे 20 मिनट्स में, 10 to 15 मिनट्स में। ओके, चलें। ये देखिए 15 मिनट 15 मिनट्स गुजर चुके हैं और खुशबुएं तो भाई बहुत अच्छी आ रही हैं। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें ऑयल भी आ चुका है और खुशबुएं भी बहुत ही जबरदस्त आ रही हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, तो बहुत ही सभी की फेवरेट होती है और खाने में स्पेशली कढ़ाई में डालने से तो उसको बहुत ही जबरदस्त इसमें खुशबू भी आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो हम यहाँ पे कसूरी मेथी 2 स्पून है ये मेरे पास, मैंने 2 स्पून डाली। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने दो हरी मिर्चों को कट किया था और मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। और इसके बाद ये मेरा थोड़ा सा धनिया है जो कि मैंने हाफ अभी डाल दी हूँ, हाफ गार्निशिंग के लिए डालूंगी। अब हम इसको अच्छे से चलाकर ये देखें, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, स्मेल बहुत ही जबरदस्त है। अब हम इसको डालकर कसूरी मेथी को
और धनिया हरी मिर्चों को 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सब में मिक्स हो जाए। तो हम 2 मिनट के बाद इसको देखते हैं, मिलते हैं 2 मिनट्स में। तो ये देखें हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और हम देखते हैं जबरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, इतनी जबरदस्त हैं। अब हम अपने चूल्हे को करते हैं बंद और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें इसको मैं पूरे को डिश आउट करती हूँ अच्छे से। इतनी जबरदस्त स्मेल है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी खाना शुरू हो जाऊं। और इतनी क्विक बनने वाली डिश है कि आपके घर में कोई गेस्ट आए, कुछ आए, कभी जल्दी हो रही हो तो हमने जल्दी जल्दी मसाले निकाले, डाला, चिकन डाली और बस 15-20 मिनट में रेडी हो गई। ये देखें, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये डिश। अगर आप लोगों को मेरी ये डिश रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी बेल नोटिफिकेशन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो वो चलें आप लोग जल्दी से बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसी लगी। तो इंशाल्लाह हम एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। चलें चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।